हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं ट्राई करने वाली फर्स्ट टाइम कोरियन रबर फेस मास्क। सो मैंने कोरियन वायरल वीडियोस में देखा था ये वाला रबर फेस मास्क जो बहुत ही कोरियन लड़कियाँ ट्राई कर रहे थे और रिजल्ट बहुत ही अच्छा आ रहा था, एकदम ग्लोइंग फेस हो जा रहा था उन लोगों का। तो मैंने सोचा चलो इसे ट्राई करते हैं और ये एक्चुअल में वर्क करता है या नहीं इसे देखना भी है। तो इसलिए मैंने अमेजोन में जाके सर्च किया और मुझे अमेजोन पे बहुत सारे रबर मास्क दिखे, तो उसमें से मैंने 3 रबर मास्क परचेस किए हैं जो कि है ये। यहाँ पे लिखा हुआ है मेड इन कोरिया, तो ये ओरिजिनल कोरियन फेस मास्क है, मतलब मॉडलिंग। ओके, इसके ऊपर कोई रबर मास्क तो लिखा नहीं हुआ है बट यहाँ पे लिखा हुआ है मॉडलिंग फेस मास्क, सॉरी मॉडलिंग विटामिन सी मॉडलिंग मास्क कप पैक ब्राइटनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। सो यहाँ पे लिखा हुआ है मेड इन कोरिया और इसमें ऊपर में इसका यूज भी कोरियन में ही लिखा हुआ है। तो देख सकते हो, मतलब मैंने सिर्फ ये वाला नहीं परचेस किया है, इसके साथ और 2 रबर फेस मास्क मैंने परचेस किया हुआ है जो है ये, जो एक है केयर शेड 24 कैरेट गोल्ड रबर फेस मास्क और दूसरा है द मैट ग्लो का रबर फेस मास्क। मैंने टोटल 3 रबर फेस मास्क परचेस किया हुआ है पर इन दोनों के वीडियोस बाद में आएंगे। आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ ये विटामिन सी मॉडलिंग मास्क का पैक का ये वाला। सो यहाँ पे हाउ टू यूज जो है कोरियन में लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। इसके लिए मैंने इसे अमेजोन से परचेस किया है, तो मैं अमेजोन में जाके ही देख लूंगी कि हाउ टू यूज यहाँ पे दिया हुआ है या नहीं। यहाँ पे दिया हुआ है तो मैं उसी हिसाब से इसे यूज करूँगी। और इसका जो प्राइस है ये थोड़ा बहुत कॉस्टली है बिकॉज ये एक कप आपका ऐसा मिलता है आइसक्रीम के कप के जैसा, वेनिला आइसक्रीम के कप के जैसा आपको ये एक कप मिलता है और ये वन टाइम यूज़ है। तो इसका प्राइस 350 है, तो थोड़ा बहुत कॉस्टली है क्योंकि वन टाइम यूज़ के लिए 350 रुपीज़, तो ऑफकोर्स ये थोड़ा बहुत महंगा मुझे तो लगता है। तो चलो अब देख लेते हैं इसे यूज़ कैसे करना है। यहाँ पे हाउ टू यूज़ दिया हुआ है, ओपन द कप पैक 7-8 स्पून ऑफ वाटर इन अ कप विद स्पैचुला, तो इसके अंदर शायद स्पैचुला दिया हुआ है और मिक्स पाउडर विद वाटर विद स्पैचुला, अप्लाई इट ऑन द फेस इवनली एंड पील इट ऑफ इन 15 मिनट्स, फिनिश विद बेसिक स्किन केयर प्रोडक्ट्स। ओके, तो चलो इसे ओपन करते हैं और देखते हैं इसके अंदर स्पैचुला दिया हुआ है या नहीं। इसका स्मेल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है लग रहा है, बट ये वर्क कैसा करता है वो देखना है। तो हाँ, इसके अंदर ये चम्मच दिया गया हुआ है, मतलब सामने के साइड चम्मच है और पीछे के साइड स्पैचुला के टाइप है, देखो ये चम्मच दिया गया हुआ है और ये जो हैंडल है इसे स्पैचुला बना दिया गया। तो एक चीज से 2 काम हो जाएगा, अच्छा है। ये बिल्कुल आइसक्रीम के कप के जैसा लग रहा है बट आइसक्रीम के कप से बहुत ही बड़ा है, मतलब आइसक्रीम के कप जो 10-20 रुपए के जो छोटे छोटे आते हैं वो वाला नहीं है, थोड़ा सा बड़ा है इससे। कितने ग्राम का ये?
28 ग्राम का है, 28 ग्राम तो ऐसा है। तो चलो 7 to 8 स्पून इसमें वाटर डालना है। ये वाला जो स्पून इसके साथ दिया गया हुआ है यही वाला, ये 10 ml का है, तो हमें 10 ml का 7-8 स्पून वाटर इसमें ऐड करना है। ऐसा लग रहा है मैं रोटी पकाने वाली हूँ, आटा बेल रही हूँ। आई थिंक इसमें और थोड़ा सा वाटर लगेगा, तो थोड़ा बहुत वाटर इसमें ऐड कर देती हूँ। और इसे जल्दी जल्दी अपने फेस पे अप्लाई कर लेना पड़ेगा, नहीं तो ये मेरे ऊपर ही गिर गया। तो बहुत जल्दी जल्दी अप्लाई करना पड़ेगा फेस पे, नहीं तो ये बहुत ही जल्दी सूख जाता है, क्योंकि रबर फेस मास्क है तो ये बहुत जल्दी सूख के एक रबर टाइप का पील ऑफ होके निकलता है। तो मैं इस फेस बहुत जल्दी जल्दी मिक्स करके अपने फेस पे लगा लूँगी और 15 मिनट्स बाद देखते हैं इस एक्चुअली वर्क होना। ठीक है यार, ये अच्छे से मिक्स भी नहीं हो रहा है। मैं स्पैचुला से नहीं लगा रही हूँ बिकॉज उसमें मुझे जल्दी नहीं लग पाएगा, तो मैं हाथ से लगा रही हूँ। उसका स्मेल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। बहुत ही मेसी है यार, बहुत ही ज्यादा। गले में भी लगा रही हूँ बिकॉज अमाउंट बहुत ही ज्यादा है। मैं हाथ धोने जा रही हूँ और 15 मिनट्स वेट करती हूँ, उसके बाद देखती हूँ ये सूखता है या नहीं। मुझे नहीं लगता 15 मिनट्स में ये सूखेगा, तो देखते हैं कितना टाइम लेता है ये पूरा ड्राई होने में। तो चलो उसके बाद में मिलते हैं जब ये पूरा ड्राई हो जाएगा। ठीक है, बाय। सो गाइस, 15 मिनट नहीं, आधा घंटा हो चुका है, बट ये अभी भी पूरा सूखा नहीं है। इधर देख सकते हो, नहीं सूखा है यार, आधा घंटा हो चुका है, मतलब आधे घंटे से ज़्यादा हो चुका है, फिर भी ये पूरा ड्राई नहीं हुआ है। और रबर के जैसा तो बिल्कुल नहीं है, जैसा इसने क्लेम किया है रबर मास्क, बट रबर मास्क जैसा तो कुछ भी नहीं है। रबर का तो दूर दूर तक मुझे नाम और निशान नहीं दिख रहा, सो ये बहुत ही भयंकर दिख रहा है। एंड ये बहुत ही ज़्यादा लगाने भी, मतलब लगाने के टाइम भी मिस ही था, अभी उतारूँगी अभी भी मिस है। मतलब जब अगर आपको ट्राई करना है तो सोच समझ के करना, ठीक है ना। अगर आपको इस फेस मास्क को ट्राई करना है तो सोच समझ के करना, और क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मिस फैला देगा आपके चारों तरफ, लगाने के टाइम भी और उतारने के टाइम भी। तो चलो, मैं इससे और ज़्यादा देर तक अपने फेस में नहीं रखना चाहती बिकॉज मुझे पता चल गया है ये पैसा बर्बाद फेस मास्क है, तो उतना ज़्यादा ये कुछ भी काम नहीं करता। तो इसने जो भी क्लेम किया है कुछ भी ये काम नहीं करता। मतलब मास्क का सबसे बड़ा पॉइंट है ये रबर फेस मास्क है, बट इसमें रबर वाली कोई भी चीज़ नहीं है, और देखते हैं ये पील ऑफ होता है या नहीं ठीक से। तो चलो,
ये पूरा मार्क्स के जैसा तो पील ऑफ नहीं हो रहा है, बट वायरल वीडियोस में मैंने देखा था कुछ इस तरीके से ये पील ऑफ होता है, बट ये तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हो चुका है मेरे फेस पे। इसे अभी मैं ऐसे ऐसे करके निकालूंगी, तो बहुत ही ज़्यादा मेसी हो जा रहा है हर जगह और टाइम भी लगेगा। ग्लो वगैरह कुछ भी नहीं आया है इसमें, जैसे क्लेम किया था ब्राइटनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग, तो मॉइस्चराइज हुआ कि नहीं मुझे नहीं पता, ये तो पूरा फेस धोने के बाद पता चलेगा, बट ब्राइटनिंग वाला तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। लग रहा है ब्राइट, मैंने आज तक इतना वाहिया कोई फेस मास्क नहीं चाहिए, मतलब रिजल्ट नहीं मिलता है ठीक है, कभी कभी कोई फेस मास्क होते हैं जिसमें उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है, बट इतना ज़्यादा सफ़र नहीं करना पड़ता है यार। Don't try this mask guys, don't try। अगर आप सोच रहे हो, मतलब आप लोगों को भी ऐसा कोई मास्क दिखा होगा, आप लोग सोच रहे हो कि इसे ट्राई करके, बाकी जो मैंने दो दिखाए थे वो कैसे मुझे नहीं पता, उसका भी रिव्यू मैं करूँगी, बट ये वाला जो आज मैं रिव्यू कर रही हूँ इसे मत लेना। 350 रुपये पूरा पानी में चला जाएगा। सो मैं अभी इस फेस को पूरे पानी से अच्छे से धो के आती हूँ। सो गाइस अभी मैं आ चुकी हूँ अपना फेस बहुत अच्छे से धो के, बट ना ही मुझे अपने फेस में कोई ब्राइटनिंग नज़र आ रही है और ना ही मॉइस्चराइजिंग, मेरा फेस फुल्ली ड्राई हो चुका है। और मैं क्या ही बताऊँ कि क्या एक्सपेक्ट किया था और क्या मिला, तो डोंट बाय दिस मास्क कोर्स, और क्या बोलूँ, बोलने लायक कुछ बचा ही नहीं। मेरा कैमरा में भी पूरा मेस लगा हुआ है, मैं क्या बोलूँ यार, इतना मेसी हो चुका है ना, मतलब आपका 350 रुपये तो जाएगा ही जाएगा, उल्टा काम भी बढ़ जाएगा, और जिस कारण आपने अपना 350 रुपये खर्च किया है वो काम भी नहीं होगा, ठीक है ना। आप सोच रहे हो कि ग्लो आएगा, ये आएगा, कुछ नहीं आएगा भाई साहब, पूरा पैसा बर्बाद होगा और उल्टा आपको नुकसान होगा वो अलग से, मतलब आपको आपको तो मम्मी पापा से डांट पड़ने वाली है कि क्या किया है, ये क्या हालत बना के रखा है घर का, तो वो डांट अलग से पड़ेगी, साफ़ सफाई अलग से करना पड़ेगा और पैसा तो बर्बाद होगा ही। तो प्लीज़ इस मास्क को मत खरीदना ठीक है। तो मेरा तो काम ही यही है कि मैं नए नए प्रोडक्ट्स ट्राई करूं और जो वायरल प्रोडक्ट्स है उसे तो डेफिनेटली ट्राई करूं और आपके साथ रिव्यू शेयर करूं, तो वही मैंने किया। मैंने ये वाला प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा वायरल में था, रबर मास्क, तो इसलिए मैंने इसे ट्राई किया और आप लोगों के साथ रिव्यू भी शेयर कर दिया कि इसे बिल्कुल बाय नहीं करना है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ताकि वो लोग भी ना परचेस करें ऐसे वाई अच्छी से। और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दे और मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लेना ठीक है। और ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा बुरा जो भी लगा हो कमेंट बॉक्स में बताना, मुझे कमेंट पढ़ने में बहुत ही मज़ा आता है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।